अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं नईम हुसैन आपको कंप्यूटर पाकिस्तान .com की जानिब से खुश आमदीद करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर। सर, हम प्रीवियस क्लास में सीख रहे थे कि गो के बटन पर क्लिक कर एड सब के जो है ना एप्लीकेशन पर किस तरह से जाएं, उसके लिए मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और प्रोजेक्ट मेरा लोड हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट लोड हो जाता है, जैसा कि ये हमारा मेन एक्टिविटी पेज था और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता था, तो एडिशन के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो वन आ रहा था एंड सब्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे तो वन कट हो जा रहा था एंड वन टाइम क्लिक कर रहे थे वन, सेकंड टाइम क्लिक कर रहे थे दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से क्लिक करते जाते थे तो एडिशन होती जाती थी वन की एंड फिर जब हम सब्सट्रैक्ट करते जा रहे थे तो सब्सट्रैक्शन हो रही थी वन की, जितना आउटपुट हमारा रिजल्ट अवेलेबल था। ठीक है जी, तो हमने एक और मेन पेज मेन एक्टिविटी पेज बनाया था जिसका नाम रखा था सीपी एग्जाम्पल और इसके अंदर एक बटन भी रखा था हमने शायद, और वो बटन हम देख लेते हैं जी। नहीं, यहाँ पर ये बटन अवेलेबल नहीं है, तो ये बटन हम इसके अंदर ऐड कर इसको मेन पेज कर फिर जैसे ही गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो एड सब का जो हमारी एक्टिविटी है वो आ जाएगी, ये मेन एक्टिविटी। ठीक है जी, तो आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है, इस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये सब कुछ हम कवर करेंगे। देखें जी, हमारे पास मेन के अंदर एंड जावा के अंदर दो फाइल हैं, एक है मेन एक्टिविटी, दूसरा है सीपी। ठीक है जी, और हमारे पास लेआउट के अंदर एक है एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल एंड दूसरा है सीपी। ठीक है जी, अब हम कंप्यूटर पाकिस्तान जो हमारी फाइल है cp.xml, इस फाइल के अंदर हम सारे जो कंटेंट्स हैं एड सब के वो हम रख देंगे यहाँ पर सीपी के अंदर एंड मेन एक्टिविटी के अंदर जो सीपी के कंटेंट्स हैं वो हम रख देंगे सीपी के, मीन्स इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, सिंपली द बेस्ट। तो इसके सारे सीपी के सारे कंटेंट्स एक्टिविटी मेन के अंदर एंड मेन एक्टिविटी के सारे कंटेंट्स मैं रखूंगा सीपी के अंदर। ठीक है जी, तो अगर हम ऐसा ना भी करें तो डिलीट कर दें इस फाइल को, इससे हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, तो मैं इन फाइल को डिलीट कर देता हूं। सही है, और सीपी को भी डिलीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अब मेन एक्टिविटी पर हम रखेंगे एक लोगो और दूसरा रखेंगे क्या, हम रखेंगे गो का बटन, तो ये हमारी योर वैल्यूज ये एप्लीकेशन ऑन हो जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा, ऐड करूंगा, क्लास ऐड करूंगा इसके अंदर जावा की क्लास, और उसका नाम रखेंगे एड सब। ठीक है जी, पहले वाला लेटर बड़ा होना चाहिए, हर वर्ड का लेटर बड़ा होना चाहिए, मैं आपको ये रिकमेंडेड करता हूँ। एड सब के नाम से मैंने जावा की एक फाइल को ऐड कर दिया, सही है, एक क्लास को, जावा की एक क्लास को ऐड कर दिया। अब हम लेआउट के अंदर एक्सएमएल की फाइल ऐड करेंगे, सोर्स लेआउट एक फाइल ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, नेम एड सब, जो फाइल थी हमारी एड सब की मेन एक्टिविटी के अंदर। सही है, तो इस फाइल के जितने भी कंटेंट्स होंगे मेन एक्टिविटी के, क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, मेन एक्टिविटी के जितने भी कंटेंट्स होंगे वो हम जाकर रखेंगे कहाँ पर, एड सब के अंदर। तो ये किस तरह से करूँगा, यहाँ पर रखकर इसके सारे कोड को लेकर, एक था टेक्स्ट व्यू, दूसरे दो बटन थे हमारे पास, ये सारे बटन यहाँ से मैं कट करूँगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा, कट हो जाएंगे। फिर एड सब के अंदर आकर टेक्स्ट व्यू के अंदर आकर पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे सारे कोड आ जाएंगे। और हम अब इसकी डिज़ाइन देखते हैं, तो देखें डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ गई और यहाँ पर टेक्स्ट भी आ गया है मेरे ख्याल से, टीवी डिस्प्ले, बिल्कुल जो भी कोड होगा हम वही ऐड कर देंगे जी। सही है, ओके, तो उसमें था इसका बैकग्राउंड ग्रीन, तो बैकग्राउंड हम ग्रीन कर देंगे,
बी फॉर बैकग्राउंड ए बी सी, ठीक है जी। यहाँ पर हैश बैकग्राउंड का कोड मैं ऐड करता हूँ 00, ये देखें बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है जी। और इन बटन को थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा, पकड़ कर थोड़ा सा। उसमें था एक ऑब्जेक्ट, रिलेटिव ऑब्जेक्ट थे, इसमें लिनियर है तो इस वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है इसको ऊपर नीचे करने में। अगर हम रिलेटिव ऑब्जेक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखें हमारी मेन एक्टिविटी में सब क्या था, रिलेटिव लेआउट था, और एड सब के अंदर कौन सा लेआउट है हमारे पास, लिनियर। तो लिनियर को कन्वर्ट करें अगर हम रिलेटिव में, ठीक है जी, ऐड कर देते हैं एंड इसको क्लोज भी रिलेटिव लेआउट से। अब हम इसके डिज़ाइन में जाकर देखें, लिनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, हमारी एप्लीकेशन तो सेट हो गई। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी जावा पर। हमारा जो है ना एग्जाम्पल का जितने भी थे एग्जाम्पल के हमारे कंटेंट्स क्लियर हो गए, आया हो पाको समझ में आ गया होगा। देखें यहाँ पर एड सब के फाइल के अंदर हमने क्या रख दिया, ये सब कुछ, ठीक है, एड सब की फाइल के अंदर। अब हम मेन एक्टिविटी के अंदर क्या रखेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर हम रखेंगे सीपी इमेज रखेंगे जी। तो उस इमेज को रखने के लिए मैं मेन एक्टिविटी पर आऊँगा, डबल वन क्लिक करेंगे और इसके डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाकर एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, व्यू टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट व्यू, लार्ज टेक्स्ट व्यू, मीडियम टेक्स्ट व्यू, स्मॉल टेक्स्ट व्यू, मैं प्लेन टेक्स्ट व्यू लेता हूँ और यहाँ पर आकर हिट कर देता हूँ और इसके विथ एंड हाइट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एंड हाइट को इसको बड़ा करेंगे या इसके बैकग्राउंड में हम इमेज दे देंगे। तो बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा और सीपी को लेकर ओके कर दूंगा, तो इसके बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाएगा। अब मैं एक बटन ऐड करूंगा ओके का और नीचे आकर इसको रख दूंगा, तो इस बटन की हाइट को मैं बड़ा कर देता हूँ और इस बटन के अंदर देखें, इस बटन के अंदर मैं ऐड करूंगा, सही है जी। अब मैं बटन को आईडी दूंगा, फिर उस आईडी के आईडी दूंगा एड सब की, जैसा कि एड सब बटन के ऊपर क्लिक करूं तो एड सब की फाइल ओपन होकर मेरे सामने आ जाए। तो इसके लिए टेक्स्ट चेंज करेंगे, गो का रखेंगे इसके ऊपर टेक्स्ट, या सर्च करेंगे या एड सब लिखेंगे। तो यहां पर हम आते हैं जी, इसके बैकग्राउंड कलर को नहीं, टी फॉर टेक्स्ट और आई फॉर आईडी, आईडी में रखूंगा मैं एड सब, एड सब, ठीक है जी। और टेक्स्ट पर भी मैं एड सब ऐड कर दूंगा। हम टेक्स्ट पर आएंगे, न्यू बटन की जगह पर हम एड सब रख दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और थोड़ा सा इसका बटन की विड्थ को बड़ा करें, तो हाइट को बड़ा करें, तो ये विड्थ हो गई एंड बटन हाइट। टेक्स्ट साइज बड़ी करें तो ऑटोमेटिकली बटन साइज भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर रख देते हैं 40 dpi, ऐड करके देखते हैं, सही ऐड सब, ठीक है जी। तो ये बटन थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया और इमेज को थोड़ी सी हाइट बड़ी कर दें। हाइट ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब देखें इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, एड टेक्स्ट हेयर, और इसको तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे यहाँ पर, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा होगा हमारा TEXT स्टैंड फॉर टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट की जगह पर हम कुछ भी नहीं देंगे और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो चला जाएगा, सही है जी। और अब हम आते हैं इस बटन के, ये XML के दोनों फाइल के हमारे हो गए, ये हमारी फाइल हो गई और ये मेन फाइल हो गई। एड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा
एड सब आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन बात होगी कि हम जो है ना इन मेन एक्टिविटी के अंदर एंड जावा के अंदर एंड एड सब के अंदर कौन सी कोडिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले आ रहे हैं एड सब की फाइल को, ये देखें एड सब, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देखकर एक्सटेंड करूँगा एक्सटेंड्स, एंड यहाँ पर एक्टिविटी दूंगा मैं एक्टिविटी, ओके। तो अब इसके अंदर मैं कोड ऐड करूँगा ओवरराइड का ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट देखें ऑन क्रिएट ये ऐड करूँगा डबल क्लिक कर, तो ये कोड मेरा इंसर्ट हो गया। अब इसके नीचे मैं यहाँ पर कुछ और कोड दूंगा, सेट कंटेंट व्यू लेआउट का मैं कोड दूंगा, सेट कंटेंट व्यू आ गया, इसके अंदर आर डॉट आई डी डॉट, अब ये कह रहा है कि कौन सी आप जो है ना फाइल का दोगे, तो यहां पर मैं दूंगा फाइल एड सब का। देखें एड सब वाली जो हमारी फाइल है एग्जाम्पल वाली, ये मैंने फाइल का लेआउट यहां पर रखना है मुझे, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा मैं बटन की आईडी को ऐड कर रहा था, लेकिन मुझे लेआउट की आईडी को ऐड करना है ना। तो यहां पर अब देखें हमारे पास एड सब की आईडी आ गई, मैंने एड सब की फाइल को जो यहां पर आप देखें ये एग्जाम्पल एड सब की फाइल को ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये तो हो गई एड सब की कोडिंग और ये बिल्कुल यहाँ पर सेट हो गया। अब हम आएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जो मेन एक्टिविटी की थोड़ा सा कोडिंग बड़ी होगी, लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये कहाँ पर होगा हमारा, ये हमारा होगा, मैं क्लोज करके आपको बता देता हूँ, ये मेन के अंदर होगा हमारा, मेन के अंदर बिल्कुल लास्ट वाला जो फोल्डर होगा हमारा, ये देखें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ठीक है जी। ये फाइल होगी हमारी एग्जाम्पल की मेन के अंदर, इस फाइल को आप ओपन करोगे, ठीक है जी। नो, ये फाइल नहीं, हमारी फाइल होगी सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर हमारी फाइल होगी जी, एक मिनट में देख लूँ थोड़ा, यहाँ पर एंड्रॉयड मेन मैनिफेस्ट डॉट एग्जाम्पल के अंदर एप्लीकेशन के अंदर हम एक्टिविटी ऐड करेंगे, जस्ट एक्टिविटी नेम दे देंगे हम एक्टिविटी का, जस्ट लाइक एड सब, और एक्टिविटी को कर देंगे क्लोज, ठीक है जी। तो ये तो एग्जीक्यूशन फेल्ड फॉर टास्क एप्लीकेशन डीबग रिसोर्स, यहां पर ये एरर बता रहा है कि आपकी ये एड सब एक्टिविटी एक्चुअली मेन एक्टिविटी के अंदर है नहीं, तो इसको मेन एक्टिविटी के अंदर हम कोडिंग करेंगे। एग्जाम्पल की फाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा, देखें एड सब ये फाइल, अब मेन एक्टिविटी के अंदर हम इसको बताएंगे, तो यहां पर हम जावा के अंदर आएंगे और मेन एक्टिविटी के अंदर कोडिंग करेंगे कुछ। तो यहां पर देखें आप और एड सब के अंदर जितने भी ये फाइल्स थी हमारी, मिसाल के तौर पर ये कोड यहां से मैं कट कर वहां पर ऐड करूंगा, कट सॉरी एड सब कट इसके अंदर, पेस्ट पेंसिल, और फिर से मेन एक्टिविटी से मैं कुछ कोड ले लूंगा यहां से यहां तक, कट और इसके अंदर पेस्ट ऑन क्रिएट के नीचे बिल्कुल,
कैसे हो? देखें जी, अब यहाँ पर एड सब अब हम फाइल के अंदर आते हैं, रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर, एड सब के अंदर आते हैं। यहाँ पर एड सब की कोडिंग तो मैंने ऐड कर दी, और लेआउट एड सब। यस डियर, प्रीवियस क्लास में, सॉरी, इसी क्लास में एक एरर आ गया था। उस एरर को रिमूव करने के लिए मैंने अपनी वीडियो को पॉज कर दिया था। अब वो एरर मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं सारी फाइल्स क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ तो आ जाए। देखें, हमारे पास टोटल चार फाइल्स हैं, ठीक है जी। और एक है एक्टिविटी मेन और मेन एक्टिविटी, दूसरा है एड सब। एड सब, एड सब हमारी एप्लीकेशन है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में बनाई थी, जिसमें हमने एड एंड माइनस के बटन लगाकर वैल्यूज़ को रिकमेंडेड किया था। और हमने क्या किया था कि प्रीवियस क्लास में, और जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर मैंने कुछ कोड्स को मेन एक्टिविटी में से निकाल कर एड सब के अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पर देखें, एड सब के अंदर मैंने वो कोड ऐड कर दिए हैं, सही है, जो हमारा काउंटर था, बटन था, ये वो सब कुछ, ठीक है जी। और इसका आउटपुट हमारे पास ये था, जैसे मैं वन एड के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा वन हो जाए, और सब के ऊपर क्लिक करूँ तो वन माइनस हो जाए, जीरो आ जाए आंसर, ठीक है जी। और मेन एक्टिविटी के अंदर हमने जो है ना, एक इमेज लगाया और एड सब का बटन लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। और जो है ना, अब हम ओपन करते हैं मेन एक्टिविटी को। मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर आकर मैं कुछ लिंक के लिए इंटेंट ऐड करूँगा, सही है जी। इंटेंट ऐड करने के लिए, क्योंकि मुझे लिंक करना है जो है ना एड सब के बटन के ऊपर, तो एड सब बटन के ऊपर मैंने आईडी भी एड सब की लगा दी थी। तो इसके लिए मैं जो है ना इस पर लिंक जनरेट करूँगा। लिंक जनरेट करने के लिए मेरे पास एक सिंपली द बेस्ट जो है ना पब्लिक क्लास ओपन करेंगे हम, पब्लिक वाइड के नाम से, पब्लिक वाइड, सॉरी, यहाँ पर हम बटन को इनिशियलाइज करेंगे। बटन को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे बी बटन। जैसे ही मैं बी यू टाइप करूँगा तो मेरे पास बटन आ जाएगा। बटन टाइप करने के बाद फिर मैं बटन, हमने कौन सा लिया था, सब एड का, ठीक है जी, सॉरी एड सब का, ये आईडी हमने ले ली थी। फिर इसके बाद हम, ये मैंने कहाँ पर ली थी मैं आपको बताता हूँ, मेन एक्टिविटी एग्जाम्पल के अंदर। ये देखें, ये बटन है ना हमारा, इसकी हमारे पास एड सब जो है ना, इसका नाम है और आईडी भी एड सब, ये वाली आईडी हमने ले ली है। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं, सही है। तो अब हम करेंगे इक्वल, ठीक है जी, बटन, ठीक है। बटन के बाद हम फाइंड बाय व्यू करेंगे, फाइंड बाय व्यू, जैसे एफ आई मैं ऐड कर देता हूँ। देखें, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैंने एफ आई ऐड किया तो मेरे पास फाइंड बाय व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी एक मेथड कॉल हो गया। और इस मेथड के अंदर हम रजिस्टर्ड आईडी को, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड आईडी, पर फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारे पास कौन सी रजिस्टर्ड आईडी है, एड सब की, ठीक है जी। और इस बटन के, बटन को हमने इनिशियलाइज कर दिया, बटन के हमने, अब हम इस बटन का जो है ना सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है ना ऐड करेंगे मेथड। तो
यहाँ पर मैं बटन को लिखूंगा सबसे पहले एड सब, ठीक है जी। जैसे ही मैंने एड सब लिख दिया तो ये बटन अब मेरा कॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखें ये बटन हमारा डार्क मीन्स सिल्वर कलर में आ रहा है, लाइट सिल्वर कलर में ये वेरिएबल हमारा। तो अब इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा एड सब, ठीक है। जैसे ऐड लिखता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है बटन, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर डॉट देकर मेथड को कॉल करूँगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है जी। फिर न्यू मैं क्लिक लिसनर ऐड करूँगा, टाइप करूँगा व्यू, जैसे वी आई प्रेस करता हूँ तो एक मेथड और आ जाएगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है जी। इसके अंदर मैं एक इंटेंट ऐड करूँगा जिसकी मदद से मैं क्लिक करूँगा, तो इंटेंट में टाइप करूँगा, जैसे इंटेंट टाइप करता हूँ ये इंटीजर आ गया, आपको टाइप करना इंटेंट, ठीक है जी। फिर स्पेस दूंगा इंटेंट टाइप कर फिर से इंटेंट, सही जी। अब मैंने इंटेंट का वेरिएबल ले लिया, ये हमारा कीवर्ड था बटन, ठीक है जी। और यहाँ है इंटेंट, इंटेंट में इंटेंशन करते हैं उस हमारे एड सब के आईडी के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इंटेंट कर रहा हूँ न्यू इंटेंट में जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल दूंगा सिंबल और न्यू टाइप कर आगे इंटेंट बनाऊंगा, इंटेंट का मेथड कॉल करूँगा। इंटेंट हमारे पास एक जो है ना क्लास इंटेंट, सॉरी हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर हम जो है ना एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो होगा हमारा वी कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कामा देकर फिर मैं अपनी जो है ना एड सब की फाइल को स्टार्ट करूंगा, सॉरी जो हमारी फाइल होगी एड सब ये वाली क्लास को, इस क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा एड सब डॉट क्लास, सॉरी ये देखें एड सब की क्लास को मैंने स्टार्ट कर दिया यहां पर। ये मैंने एड सब की क्लास को, मैंने कहा कि इंटेंट एक हमारा इंटेंट है, सही है। उस इंटेंट के अंदर एक इंटेंशन करो जिसमें से गेट कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट हो, उसका कॉन्टेक्स्ट लो, उस एड सब के ऊपर क्लिक करो, सही है। फिर हमारी एड सब की क्लास को कॉल करो इंटेंट के थ्रू, वी गेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को गेट करो एड सब की क्लास में से, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अब इस एक्टिविटी को स्टार्ट करूंगा, क्या करूंगा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। अब इसके अंदर मैं इंटेंट को जो है ना स्टार्ट करूंगा, इंटेंट लिखकर फिर हम आर्ग्यूमेंट जीरो ऐड कर देंगे, सही है जी। ये हमारा इंटेंट कॉल हो गया यहाँ पर, जो हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया नया, जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास की, व्यू गेट कॉन्टेक्स्ट को, व्यू गेट कॉन्टेक्स्ट के मेथड को कॉल करो जिसके अंदर एड क्लास, दो मेथड दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, व्यू गेट कॉन्टेक्स्ट वाला जिसकी मदद से हम एड क्लास को, जो हमारी ये वाली क्लास है इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ, अगर आप कंट्रोल एस प्रेस ना भी करें तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाती है। अब मैं प्ले के बटन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो मैं अभी ग्रेडल को, ये देखें यहाँ पर ग्रेडल है हमारा बिल्ड हो रहा है, और फिर देखें यहाँ पर हमारा ग्रेडल फेल्ड हो गया, एरर आ गया इसके अंदर, ये मर्ज डीबग रिसोर्स क्रंचिंग लोगो डॉट पीएनजी फेल्ड टू सी लोगो, सही, ये एक एरर आ रहा है, पीएनजी का जो इमेज है वो सी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये पीएनजी की फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, फेल टू सी लॉगोस लॉग्स, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं इसकी डायरेक्टरी में आऊंगा, ड्रॉबल के डायरेक्टरी में आकर इसको चेंज करूंगा, रीनेम कर नेम रीनेम करूंगा cp.jpg,
यस कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, फिर से प्ले करके देखते हैं। ग्रेडल टास्क, एक्चुअली यहाँ पर उसकी आईडी एमपीटी है, ये वाली लोगो वाली। तो इसको नेम तो मैंने, और ये आईडी भी है हमारे पास। ये हमारे पास एरर जनरेट होकर सामने आ गए। इस एरर को हम रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड में इमेज जो मैंने दिया था, अब मैं इस इमेज को कॉल कर रहा हूँ सीपी। ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इमेज को कॉल करते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया। अब हम फिर से चलाते हैं ग्रेडल को। सही जी, ये हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। अब मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एम्यूलेटर स्टार्ट हो जाएगा। एम्यूलेटर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, फिर हमारा एम्यूलेटर स्टार्ट होता है। ये जो दो एरर थे, एक आईडी थी हमारे पास रिलेटिव, इस आईडी को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, और जो मैंने इमेज का रीनेम किया cp.jpg, क्योंकि jpg के फाइल के फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है आजकल ये एंड्रॉयड जो है ना स्टूडियो, तो मैंने उसका जो है ना फॉर्मेट चेंज कर लिया इसकी डायरेक्टरी में जाकर। सही है, और ये फोल्डर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि फोल्डर कहाँ पर होता है इस प्रोजेक्ट का। सही है, उसका मैंने जो है ना यहाँ पर आप देखें एंड्रॉयड स्टूडियो शॉर्टकट, यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बना के रखा था। सही है जी, ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पर ये आ गया, अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा तो जी, अब देखें यहाँ पर मैं जैसे ऐड सब के बटन पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फाइल आ रही है, और देखें 1 2 3। सही है, और सब के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, और अब मैं बैक के बटन पर क्लिक करूँगा। सही, इसके अंदर हमने बैक का बटन इसलिए ऐड क्यों नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि हर मोबाइल सेलफोन के अंदर बैक का बटन होता है ऑलरेडी। सही, इस वजह से हमने बैक का बटन ऐड नहीं किया। तो ऐड सब के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड सब के बटन पर क्लिक करके अब अगर इस एप्लीकेशन से निकलना हो तो फिर हम क्या करेंगे, बैक के बटन को क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम मल्टीपल बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम जो है ना इस एप्लीकेशन के अंदर, जैसा कि मैं ऐड जो है ना गो के बटन, वहाँ पर गो लिख देता क्योंकि यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ऐड सब की को लिंक कराया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो अगर मैं गो का बटन क्रिएट कर देता और यहाँ पर मेन्यू दे देता किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसको मल्टीपल फाइल से किस तरह से कनेक्ट करते, तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये फाइल तो यहाँ पर रहेगी, ठीक है जी, ये फाइल यहाँ पर ही रहेगी। यहाँ पर हम इस बटन को कन्वर्ट करेंगे गो के अंदर। सही है, जैसे गो के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट व्यू आ जाएगा हमारा, लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होंगी। जैसा कि मैंने एक एप्लीकेशन ऐड कर दिए कैलकुलेटर की, फिर उसके बाद मैं एक टेक्स्ट व्यू की एप्लीकेशन को ऐड कर दूंगा यहाँ पर, मिसाल के तौर पर गो के अंदर, फिर मैं वहाँ पर लिखूंगा होम। ठीक है, होम के अंदर एक लिंक ऐड कर दूंगा, लिंक मैं आपको बता दूंगा कौन सी ऐड कर दूंगा, मैं लिंक वहाँ पर ऐड कर दूंगा अपनी वेबसाइट की। सही है, तो यहाँ से डायरेक्ट जंप करके जाएगा हमारी वेबसाइट पर, उसे हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी करा के देखेंगे। सही जी, एक तो लिंक हो गया होम का, और कॉन्टेक्ट एस के ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो वहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक और फाइल बनाएंगे कॉन्टेक्ट एस, एक फाइल बनाएंगे अबाउट एस। ठीक है, और ये तो हमारी एप्लीकेशन हो गई एंड्रॉयड की। सही जी, ये कुछ फाइल्स हैं, अब वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर।